ईमानदारी से बताओ दीपक भाई जी, चुनाव किसके भरोसे लड़ रहे हो, सरकार के भरोसे या संगठन के भरोसे? देखिए चुनाव, देखिए हम लोग सरकार में हैं, जी हमारी सरकार है, तो दोनों दोनों ही जी पार्टी तो अपना काम, पार्टी चुनाव तो पार्टी लड़ती है, जी लेकिन सरकार की योजनाओं को लेकर पार्टी चुनाव लड़ती है। जी दोनों चीज सरकार का कामों को लेकर और पार्टी चुनाव लड़ रही है। जी तो आगे कौन है, सरकार या पार्टी? आगे कौन है मतलब, अभी तो पार्टी चुनाव खत्म हो जाएगा 17 को, जी 17 के बाद 3 तारीख को गिनती, 3 तारीख को गिनती हो जाएगी तो सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर सरकार का काम है 5 साल चलाना, फिर संगठन अपने स्तर से फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। नहीं, ये सवाल इस रूप में है कि इस चुनाव को जीतने की उम्मीद किसके भरोसे रखें, दीपक बैज जी, कुमारी सलजा के भरोसे रखें या भूपेश बघेल जी के भरोसे रखें? ये पूरा टीम वर्क है, जी टीम वर्क ने हम लोगों ने काम किए, जी टीम वर्क ने काम किए। हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी, उनके नीचे और 3 प्रभारी, फिर पीसीसी चीफ, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, फिर हमारे डिप्टी सीएम, फिर सीनियर लीडर हमारे पास है चरणदास महंत जी, जी ताम्रध्वज साहू जी, सब सीनियर लीडरों के तालमेल से चुनाव लड़े हैं।